ले लिया मैंने सब कुछ, ये रहा बैग और ये रहे आप, सब है, आ जाओ। हाँ मुझे देने जानी है ये गाड़ी, इसलिए अभी मैं राज को छोड़ के आ रही हूँ ट्यूशन। पहले पीयू गई हुई है ट्यूशन, उसको लेके आऊंगी। और पता, अरे इधर आओ आप, अंदर घुसो। कौन सी ABCD की बुक? हाँ आप खोलो, आप खोलो। खुल गया, मेरे गिफ्ट भी अंदर ही रखे हैं, उनको भी आके ही खोलूंगी मैं अभी। अभी तो हुई हुई हुई। हाँ ले लो। कौन सी नई बुक ले लूँ ABCD की? तो मैं राज को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। मम्मी जी का फोन आ गया था रास्ते में कि राज को ट्यूशन छोड़ना है, और पीहू की छुट्टी थी तो इसलिए पीहू पहले ही चले गए थे, तो पीहू को लेते हुए आना है। तो बस मैंने लहंगा लहंगा चेंज किया, शर्ट तो वही पहन रखी है अभी, बाकी आके चेंज करूँगी पहले इसको। मेरे पता सुबह सुबह मैंने इसको ऐसे बोल दिया गधा, तो क्या बोलता, गधा नहीं हूँ मैं। मजाक में बोला था, तो हमें इतना वो इसका रिएक्शन आया ऐसा। मम्मा, ये राजा बेटा है मेरा। ABCD की नई बुक ले लेना। कौन सी नई बुक? कहाँ है नई बुक? कर्सिव राइटिंग वाली? क्या कर्सिव राइटिंग? नहीं तो फिर ABCD। अरे मैम ने बोला तो था, मैं जाऊंगी नई बुक लाना ABCD की। चलो कौन सी मैम ने बोला था? ट्यूशन वाली। अच्छा तो आपने पहले क्यों नहीं बोला बेटा? कल शाम को हम गए थे सामान लेने, तब बोलते ना। अभी कहाँ से लाऊं? अभी ला दो। अभी सारी दुकानें बंद है, मैं मैम को बोल दूंगी, आपको करा देंगी ऐसे पेपर पे, और फिर मैं ला दूंगी शाम को। आज शाम को लेने चलेंगे। मुंह में अंगूठा नहीं, गंदी बात। तो राज को छोड़ते हैं, पीहू को लेते हैं, और फिर मैं जाऊंगी टोंक रोड। इनसे मैंने बात करी, बोलते ठीक है आप गाड़ी छोड़ देना, उसके बाद आपको लेने तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ काम है टोंक रोड साइड, तो इसलिए फटाफट जाना पड़ेगा मुझे। यार वापस जा रही हूँ काम करने। अरे लोग खड़े, आगे चला गए। कंटिन्यू ऑन हवा सड़क रोड फॉर 800 meters। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं MG की शोरूम जा रही थी, वहाँ पे देखो प्यारे से मेरे सब्सक्राइबर भी मिले हैं। और कोटा से आए हैं ये MG की गाड़ी लेने के लिए, और लिटरली बहुत अच्छा लगा, मतलब सीरियसली अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलके इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा ही था मतलब एकदम से आपसे मुलाकात हो जाएगी, बहुत अच्छा लगा। रियली लवली मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। चलो ब्लॉग्स देखते रहना। तो आज, अरे सुनो अपन दोनों मैचिंग हो रखे हैं आज कोइंसिडेंटली। तो बस अभी मैं आ गई हूँ MG मोटर्स के शोरूम से वापस, ये आ गए थे मुझे लेने के लिए। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर, ये गए हुए थे ऑफिस से, इन्होंने बोला चलो ठीक है टोंक रोड पे मेरे को भी काम है, मैं भी कर लेता हूँ काम, और साथ के साथ आपको पिक करने भी आ जाऊँगा। अभी मैं जा रही हूँ, आई एम सो टायर्ड, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रखी हूँ। हेलो गाइस, तो अभी हम आए हैं गुड मिश्री में वैशाली नगर, और कुछ खा रहे हैं क्योंकि भूख लग रही थी। तो हमने ये ब्राउनी सॉर्ट ऑफ थिंग ऑर्डर करी है, और दही भल्ला, क्योंकि बाकी इनका पीछे जो काउंटर है कहाँ पे गया वो रहा काउंटर, वो अभी स्टार्ट नहीं है, कुछ इनका लाइट वाइट का कुछ काम चल रहा है, अदरवाइज हम बाहर से कुछ ऑर्डर करते। तो अभी हमने दही भल्ला ऑर्डर किया है और ये ऑर्डर किया है, और अभी निकलते समय बच्चों के लिए भी कुछ ले लेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस राज बनाने हमारे ये देखा हो है, सुनो राज अगर ये देखेगा तो क्या होगा, आतंक होगा, आतंक। वीडियोस देखता और उसके बाद बोलता अच्छा मेरे बिना आप यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, सो वी डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो इसलिए हम उसके लिए भी लेके चलेंगे, पीहू के लिए भी लेके चलेंगे। तो ये आ गया है हमारा दही भल्ला, खा के बताओ कैसा है। हाउ इज इट? सिर्फ 4 pieces, नाइस, लेट मी ट्राई इट नाउ। तो अभी हम बच्चों के लिए ले रहे हैं ये वाली फ्रूट पेस्ट्री, ये तो हमने खाई थी, अच्छी थी, अब हम ये ले रहे हैं बच्चों के लिए। राज देखो मम्मा क्या लाई आपके लिए, क्या है इसमें दिखाऊं? कपकेक? नोप्स, कुछ दिखाती हूँ, चलो खोले, ओपन करें, पहले वो ओपन करें गिफ्ट जो मुझे स्कूल से मिला है। ये देखो अपने हाथ से पिला रहा है ये, पापा पी लो, क्योंकि आते ही डांट पड़ रही थी इसलिए कर रहा है ये काम, जाके झट से पानी लेके आया हम दोनों के लिए। ले आज राज खोले बेटो, और ये खतरनाक ही पैकिंग कर रखी है इसकी, तो पियो कम बेटो। एक खोल रही हूँ मैं, और एक राज को गिरा लग देना, फिर टूटते फूटने का सामान लग रहा है इसमें।
इसमें तो नहीं है राज्य खुल रहा है, इसमें जाओ खोलो उसमें। उसमें है हाँ, इसमें कुछ लिखा हुआ है जिसका तुमने गेस किया है। अच्छा ओह नाइस, सेलो का ये कंटेनर। अच्छा मेरे इसमें है कुछ टूटने वाला। यू सी कितने प्यारे हैं ये, वाओ। और अच्छी कंपनी के हैं, अच्छी ब्रांड के हैं सेलो के। चलो दो तो हमें मिले हैं ये कंटेनर, ये मम्मा ने जीते हैं। बाबू उसमें शायद टूटने वाला है। तो इसके अंदर है ये, अब क्या है इसके अंदर देखे, खोल लो तो इसको गिराने दू। अरे भाई तो राज में खोल के दूंगी, अच्छा लग रहा है देखो कितना प्यारा सा। मैंने खोल दिया। नाइस था? नाइस नाइस। इसके ऊपर वापस में भर के रख देते हैं, किसी को गिफ्ट गिफ्ट देने के काम आ जाएगा अपने। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप। तो ये वो मॉर्निंग में अपना जो भी लंच बॉक्स होता है वो प्रिपेयर कर रही थी, आप देख सकते हैं। एंड आज पीहू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, सो शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं ही अकेले जा रही थी। तो मैं उसको बोल के जा रही थी कि बेटा थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, अपनी नींद पूरी करना और अच्छे से ख्याल व्याल रखना अपना। एंड यस हेयर आई गॉट रेडी फॉर स्कूल। सुबह सुबह इतनी भागदौड़ होती है कि कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। स्टिल आई गॉट लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड हेयर आई एम रशिंग फॉर द स्कूल, क्योंकि मैं लेट हो गई थी। और ये टाइम हो गया वापस से घर पहुंचने का। मैं घर पहुंची तब तक मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए थे जो कि ये रहे, तो मैंने उनको देखा, ओपन किए थे, बट दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू सून। फिर लंच वंच किया, थोड़ी देर सो गई थी, एंड देन इवनिंग में उठ के मैं बना रही थी कॉफ़ी। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए थोड़ा सा वीडियो भी मैं शूट कर लेती हूँ, और साथ के साथ रात के लिए मुझे जो बनाना था डिनर में मैंने उसकी प्रिपरेशन भी कर दी, जो कि थी ये दाल भिगो दी, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग टू कुक चीला टुडे। तो इसीलिए ये रहा चीला विद अ चटनी विच एवरीवन इन माय फैमिली लाइक्स अ लॉट। पीनट की एक चटनी मैं बनाती हूँ जिसे सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड या चीला तो मेरा फेवरेट है बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्दी, प्लस बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और स्पेशली राज को और पीहू को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी खुशी मिलती है उनको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको कुछ ना कुछ हेल्दी खिला रही हूँ। बाबू ऐसे कैसे खा रहे बेटा? अच्छा कटोरी से कैसे बने बेबी? मस्त मस्त भी है। कैसे बने बेटा? वेरी वेरी नाइस। बस और चाहिए किसी को? यहाँ तक आ गया। राज आपको और खाने? नहीं राज तो पहले बना कर देता है। ठीक है तो मेरे लिए बना रही हूँ मैं। और अब डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग आए थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए, बिकॉज ये मेरी गाड़ी बहुत टाइम से खड़ी थी और अब इसको निकालने का टाइम आ गया था। तो अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल वगैरह भरा के, एंड ये मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैंने डिसाइड किया है कि आगे से मैं करने वाली हूँ। देयर फ्यू चेंजेस आई डिसाइडेड टू मेक इन माय डेली रूटीन, और ऐसे चेंजेस रखें जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे लिए अभी अचीव होने पॉसिबल हैं, और धीरे धीरे ग्रेजुअली इन चीज़ों को मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करती रहूँगी। तो मैंने ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में सारे चेंजेस एक साथ लाने की कोशिश करी है, जो मुझे लगता है कि हाँ जिनमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके मेरी लाइफस्टाइल में पॉसिबल है वो मैंने किया है। लाइक फर्स्ट वन इज़ टू वेक अप एट 5:30 AM एक्सेप्ट फॉर हॉलीडेज एंड संडेज, बिकॉज यू नो वही मुझे दिन मिलते हैं जब मैं अच्छे से अपनी नींद पूरी कर पाती हूँ। इसलिए तो ये मैंने डिसाइड किया है कि 5:30, वैसे मैं इससे पहले उठ जाती हूँ, बट दिस इज़ द टाइम दैट आई हैव डिसाइडेड कि इससे लेट तो होना ही नहीं है। नाउ आई हैव डिसाइडेड कि आई विल बी डूइंग डेली व्लॉग्स, तो मैंने टारगेट लिया है कि नेक्स्ट 10 days तक एटलीस्ट मुझे डेली व्लॉग करना है। अगर मेरा ये टारगेट अचीव होता है देन आई विल टेक द नेक्स्ट स्टेप जो कि होगा ज़्यादा दिन का हेल्दी डाइट और जंक वंस इन अ वीक, है ना। ये भी थोड़ा सा करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज वेन एवर आई गो आउट मुझे क्रेविंग होती है बाहर का कुछ खाने की। देन हाफ एन आवर एक्सरसाइज, अभी मेरा जिम एक्सरसाइज सब कुछ छूटा हुआ है, तो फ्रॉम संडे दैट इज़ टुमारो मैं
हाफ एन आवर चाहे घर पे करूँ, बाहर जाऊँ, पार्क में जाऊँ, जिम जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, ये एक्सरसाइज करने का मैंने सोचा है। देन रीडिंग एटलीस्ट 5 पेजेस पर डे अदर देन करिकुलम बुक्स। तो जो भी मेरे स्कूल की मतलब बुक्स हैं जो कि मेरी हैं जिन क्लासेस को मैं पढ़ा रही हूँ, उसके अलावा आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी रीडिंग 5 पेजेस एटलीस्ट। क्योंकि हैबिट मतलब वैसे है कि कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, तो आई वॉन्ट दिस टू बी इन माई रूटीन डेली, सो ये मैं करने वाली हूँ। डिनर बाय बिफोर 9 o'clock, हम लोगों को कई बार ऐसा होता है, वैसे हम लोग बिफोर 9 o'clock कर लेते हैं, जो कि 9 o'clock भी काफ़ी लेट है, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे कई बार लेट हो जाता है, तो आई विल ट्राई कि एटलीस्ट ये अभी के लिए टारगेट रखूँ कि 9 o'clock, फिर अगर हो सका आफ्टर 10 days ये टारगेट मैं थोड़ा सा और जल्दी का भी करूँगी। एंड स्लीप बिफोर 11, तो कुछ लोगों को ये बड़ा नॉर्मल सा लग रहा होगा, बट फॉर मी इट इज़ अ टास्क, बिकॉज क्या होता है जब बच्चे सोचते हैं ना 10:30 बजे, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालें, ये करें, बातें करने बैठ जाते हैं, कोई सीरीज़ देखने बैठ जाते हैं, सो विच इज़ वेरी बैड, और जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती। तो इसलिए मुझे ये टारगेट लेना है कि एनी हाउ 11 o'clock तक मैं सो ही जाऊँगी, एक्सेप्ट कभी कभी जैसे कोई फैमिली प्लान, कोई आउटिंग हो गया या कोई फंक्शन हो गया, दैट यू नो उसमें अपना जोर नहीं चलता, अदरवाइज आई विल ट्राई टू स्लीप बाय 11 ओनली। सो दीज आर द फ्यू चेंजेस दैट आई डिसाइडेड टू मेक अभी, तो आई एम होपफुल कि मैं इन सबको पूरा कर पाऊँगी। तो आप भी बताइएगा कि ये चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल हैं क्या अचीव करना, एंड स्पेशली दिस वन डेली व्लॉग फॉर 10 days, क्योंकि मैं व्लॉगिंग रेगुलर नहीं रख पाती हूँ, मैं करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, फिर करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, तो दिस टाइम आई वांट कि मैं रेगुलर रखूँ, इसलिए। तो डू टेल मी कि ये पॉसिबल है सब कुछ अचीव करना कि नहीं है, कि मुश्किल है, या फिर कौन सी और चीज़ें जो आपको लगता है कि मुझे अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करना चाहिए, तो आई विल कीप ऑन एडिंग फ्यू मोर थिंग्स, अच्छी अच्छी आदतें अपनी डेली रूटीन में, तो डू टेल मी। एंड ये भी ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ आज अभी इसी वक्त। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए जो मैंने चैलेंजेस लिए हैं उनके साथ में, और बताऊंगी कि कितना मुझसे हो पा रहा है कितना नहीं हो पा रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।